एक्ट्रेस शालिनी चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ जू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, मैं हूं इंद्रदेव पांडे और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। मैं आपको वो खबर पेश करने जा रहा हूं जहां पॉन वीडियो मामले में एक बार गिरफ्तार रह चुके बिजनेसमैन राज कुंद्रा आज एक बार फिर विवादों में दिखते नजर आ रहे हैं। बॉलीवुड की एक्ट्रेस शालिनी चोपड़ा ने मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत रूप में राज कुंद्रा के खिलाफ और उनकी बीवी के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट और मेंटली टॉर्चर, जहां तक कि अंडर वर्ल्ड तक की धमकियां देने का आरोप लगाया है। अब देखना यह है क्या जुहू पुलिस राज कुंद्रा पे कार्रवाई करती है या नहीं। कैमरामैन सौरभ नायनूर के साथ इंद्रदेव पांडे, मुंबई। शालिनी चोपड़ा ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के खिलाफ कथित रूप से धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज करवाई है। देखते रहिए संवाददाता इंद्रदेव पांडे के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवा के आप उनकी पेमेंट क्लियर क्यों नहीं करते? आप उनको चूना क्यों लगाते हैं? आप उनको टोपी क्यों पहनाते हैं? क्या ये होता है एथिकल बिजनेस? आपको बिजनेसमैन बनना है, जाइए सीखिए टाटा कैसे बिजनेस करते हैं, एथिक्स के साथ करते हैं, जो वादे करते हैं उन्हें निभाते हैं। आप क्या करते हैं? आप आर्टिस्ट के घर पर जाकर उनके साथ यौन शोषण करते हैं, आर्टिस्ट के घर पर जाकर उसे अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, बोलते हैं यौन शोषण का केस वापस ले वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जो एक आध फिल्में तेरे हाथ में है वो भी छूट जाएंगी, इस तरह आप बात करते हैं। मैं आज नहीं डरूंगी, दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर आई हूं, मैं नहीं डरूंगी ना आपसे ना आपके पावर से। क्या क्या कहा था आपने? आपको याद है आपने बोला कि आपके सर पर किसी बिग बॉस का हाथ है और जब तक उस बिग बॉस का हाथ रहेगा आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ऐसी बातें आपने कही मुझसे। क्या उन्होंने वो बिग बॉस का नाम बताया? नहीं बताया, और उन्होंने अपने सेलफोन पर मुझे रंजीत बिंद्रा का नंबर दिखाया और कहा कि ये डी कंपनी का आदमी है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। आज मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगी। क्या आपने पुलिस से अपनी सिक्योरिटी के लिए भी मांग की है? मैंने कहा पुलिस से कि मैं ऐसे डर डर के नहीं जी सकती, मैं डर के नहीं जी सकती। तो आपने अभी शिकायत क्या की? मतलब उन्होंने पेमेंट नहीं दी है? बात यहाँ पर सिर्फ पेमेंट की नहीं है, बात सिर्फ पेमेंट की नहीं है, ये जो डर का माहौल बनाकर रखा है, मैं I can't take this। आपने कहा कि आपने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भी शिकायत की है, अब की बार जो आपने शिकायत आ चुकी है उसमें शिल्पा शेट्टी का क्या रोल था? उन्होंने कहा कि जेएल स्ट्रीम इज अ वेरी सेफ प्रोपोजिशन एंड यू नो इट्स लाइक अ फैमिली सेटअप, तो देर इज नो हार्म, योर करियर विल बी सेफ, यू नो यू कैन जॉइन इट। शिल्पा